हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुजराती शॉर्ट पल्लू किस तरह से ले लिया जाता है वो मैं दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी लगेगी स्टाइल। सबसे पहले तो आप एक राउंड तो लेना ही है, लिफ्ट द कॉर्नर एंड टेक वन राउंड। उसके बाद आर्म लेंथ लेंगे। उसके बाद ये जो पल्लू है मैंने पहले से क्लिप करके रखा है, आपको पता है हम क्लिप कैसे करते हैं, आपको काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है। तो ये इधर आ जाएगा, देखिए कितनी प्लीट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, साढ़े छः प्लीट्स आई है, पर मैं उसको शॉर्ट पल्लू लाऊंगी यहाँ तक। उसके बाद इसको मेरे को लूप बनाना है, देखिए इसको थोड़ा सा मेरे को लूप बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पहले फोल्ड करूँगी यहाँ, ये मैं पिन लगाऊंगी यहाँ, यहाँ से पिन लगाऊंगी, एक और पिन लगाएंगे, थोड़ा सा फिटिंग में अच्छा रहेगा। और ये जो मैं प्लीट्स बनाऊंगी, देखिए किस तरह से बनती है प्लीट्स, देखिए नॉर्मली गुजराती में इस तरह से लेते हैं प्लीट्स, पर इसमें मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। शॉर्ट पल्लू है और मेरे को लूप कैसे बनाना वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये इस तरह का मैं प्लीट्स लेती हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं टर्न करती हूँ, सेट करेंगे और फिर टक करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ये हाथ से टक करेंगे, देखिए सेट करेंगे पूरी प्लीट्स नीचे तक। ये जो प्लीट थोड़ा सा ज़्यादा आया है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी और उसको ब्रॉड प्लीट लूँगी यहाँ, और ये मैंने टक कर दिया, सेट करेंगे प्लीट्स को, देखिए एकदम नीट आ गया। ये जो है पीछे से जो लुक बनाया है उसको सेट करेंगे, छोड़ देंगे, देखिए कैसे शोल्डर प्लेट डालेंगे, ये देखिए इसको, बाद ये मैं निकाल दूंगी, देखिए। और ये जो स्टाइल है आपको टक करना है, देखिए, और पीछे तक लाना है, देखिए ये यहाँ तक लेंगे और पिन लगाएंगे, क्लिप निकाल देंगे, देखिए पूरा इधर पीछे से आप सेट करेंगे, ये लूप दिख रहा है पूरा बॉर्डर, आगे का भी अपन सेट करेंगे, देखिए कैसे लग रहा है। पूरा सेट करें, उसके बाद आप एक बेल्ट पहनाएंगे, देखें आई होप आपको ये मेरा वीडियो शॉर्ट पल्लू का कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट्स करिएगा, बहुत सारे लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कल्पना मैम के चैनल को। थैंक यू सो मच।